मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में साल के आखिरी दिन बहुरूपिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कलाकार कई वेशभूषाओं में अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते दिखे। शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरने वाले परेड को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटी। कोई भूत तो कोई सिकंदर की ड्रेस में आकर्षण का केंद्र रहा। पुराने साल की विदाई और नए साल के स्वागत पर यह आयोजन पिछले 3 दशकों से हो रहा है। मनेंद्रगढ़ सांस्कृतिक मंच के बैनर तले चल रहे इस प्रतियोगिता में कलाकारों ने एकल और सामूहिक वर्ग में अपनी कला का प्रदर्शन किया। करीब 70 प्रतिभागियों ने आयोजन में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता ने देश भर में ख्याति अर्जित किया है। इस आयोजन में लगभग 300 से अधिक व्यापारियों ने अपने अपने दुकानों से प्रतिभागियों के लिए सामग्री दी। इसमें ग्रुप और सिंगल कैटेगरी में इनाम दिए गए। सिंगल कैटेगरी में पहला इनाम स्कूटी रखा गया था। इसके अलावा एलईडी ड्रेसिंग टेबल, कूलर, इंडक्शन अलमारी, साइकिल समेत कई इनाम रखे गए हैं। प्रतियोगिता के प्रतिभागी शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। प्रतिभागियों को प्रदर्शन के आधार पर अंक देने के लिए नगर पालिका तिहारा, गुरु नानक चौक, स्टेटस बैंक तिहारा, न्यायालय के सामने, जेकेडी रोड, रेलवे स्टेशन के पास निर्णायकों के स्टॉल लगाए गए थे। मनेंद्रगढ़ में बहुरूपिया प्रतियोगिता की शुरुआत 1990 में प्रगति मंच के बैनर तले की गई थी। 2019 तक प्रगति मंच के बैनर तले आयोजन किया जाता था। कोविड काल में 2 साल प्रगति मंच ने ये आयोजन नहीं किया। इसके बाद 2022 में इस आयोजन को सांस्कृतिक मंच ने आगे बढ़ाया। इस साल भी आयोजन को लेकर प्रगति और सांस्कृतिक मंच दोनों ने आवेदन दिया था। बाद में प्रगति मंच ने कदम पीछे खींच ले। साल से आयोजन सांस्कृतिक मंच के बैनर तले हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।